सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में कई बड़ी एक्ट्रेसेस संग काम किया और हिट फिल्में दी हैं। हालांकि इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस भी मौजूद हैं जिन्होंने एक फिल्म के बाद दोबारा कभी सलमान संग काम नहीं किया। ये वो एक्ट्रेस हैं जिनके नाम का 90 के दशक में डंका बजता था। इन सभी एक्ट्रेसेस ने सलमान संग काम किया और खूब प्रसिद्धि भी हासिल की, लेकिन एक फिल्म के बाद ये एक्ट्रेसेस सलमान के साथ दोबारा नजर नहीं आई। जानिए उन अभिनेत्रियों के बारे में जिनका दिल सलमान संग सिर्फ वन टाइम रोमांस करके ही भर गया। ऐश्वर्या राय बच्चन। सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय की। जी हाँ, इनके और सलमान खान के प्रेम कहानी से पूरा जग जाहिर हो चुका है। इनकी लव स्टोरी की चर्चा बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चाओं में से एक है। जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम में दोनों ने एक साथ काम किया था तो उनके रियल लव का जादू स्क्रीन पर भी खूब दिखा था, लेकिन इस फिल्म के बाद ही ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बना ली और फिर वो सलमान संग किसी फिल्म में नजर नहीं आई। ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना 1998 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में सलमान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी, बावजूद इसके फिल्म फ्लॉप रही थी, जिसके बाद दोबारा ये जोड़ी दर्शकों को देखने को नहीं मिली। सोनाली बेंद्रे। सलमान और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी एक वक्त की फेमस जोड़ियों में से एक थी। फिल्म हम साथ साथ हैं में सलमान खान और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई थी। इस दौरान काला हिरण शिकार मामले में ये दोनों स्टार फंस गए, जिसके बाद सोनाली बेंद्रे ने दोबारा मीडिया की सुर्खियों से बचने की कोशिश के चलते सलमान खान की फिल्मों में काम ना करने का फैसला ले लिया था। अमीषा पटेल। सलमान ने अमीषा पटेल के साथ भी बस एक फिल्म ही की, यह है जलवा नाम की। इस फिल्म के बाद अमीषा किसी फिल्म में सलमान संग नजर नहीं आई। जूही चावला। जूही चावला सलमान खान के साथ सिर्फ फिल्म दीवाना मस्ताना में कैमियो रोल में नजर आई थी। इसके बाद जूही ने कभी किसी फिल्म में सलमान के साथ काम नहीं किया। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि उस समय के दौर में कभी भी एक फिल्म में दो सुपरस्टार काम नहीं करते थे। यही वजह थी कि दोनों फिर कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उर्मिला मातोंडकर। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर और सलमान खान एक साथ फिल्म जानम समझा करो में काम किया था। इसके बाद ये दोनों कभी दोबारा साथ नहीं आए। रिपोर्ट्स की माने इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने सलमान खान संग दोबारा काम ना करने का मन बना लिया था। रवीना टंडन। सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल के जरिए रवीना टंडन बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। इस फिल्म के सेट पर दोनों में खूब लड़ाई होती थी। उसके बाद रवीना टंडन कभी सलमान की हीरोइन नहीं बनी। फिल्म अंदाज अपना अपना में दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन वो आमिर के अपोजिट थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।